नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। SBI की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। 6/8/2022 को Q1 FY 2023 के नंबर्स आने थे, रिजल्ट आना था, नतीजे आने थे, तो अपडेट आ गया है बैंक की तरफ से। इस क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न कितना बढ़ा है, कितनी ग्रोथ आई है, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है और ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज में कितनी कमी आई है। PSU बैंक है, बड़ा बैंक है और जिन्होंने निवेश किया तो स्टॉक प्राइस 532 तक आया है और जून के महीने में जो मार्केट में गिरावट आई थी लगभग 440-450 तक आ गया और वहाँ से बढ़कर 532 तक पहुँच गया। इसका 52 वीक हाई है 549 तक और हर तिमाही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट आती है और कुछ समय के बाद फिर तेज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बाजार के साथ चलने वाला स्टॉक है। अब दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। SBI के ये Q1 FY 2023 के नंबर्स हैं और करोड़ में नंबर्स हैं। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 72,676 करोड़ का हुआ है और Q4 में था 70,733 करोड़ का, एक साल पहले 65,564 करोड़ का था। 2.75% बड़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, साल दर साल के हिसाब से देखते तो 10.85% बड़ा है इंटरेस्ट इनकम। एक्सपेंसेस खर्चे की बात करते हैं तो 41,480 करोड़ का हुआ है और ये अब की बार थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा है, एक्सपेंसेस बढ़ा है 4.92% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से और साल दर साल के हिसाब से 9.37% बढ़ा है। साल भर पहले 37,996 करोड़ का था, 37,926 करोड़ का था और 39,535 करोड़ का एक्सपेंसेस था Q4 में, अब की बार है 41,480 करोड़। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 31,196 करोड़ का है SBI का Q1 FY 2023 में और Q4 में था 31,198 करोड़, साल भर पहले 27,638 करोड़ का था और ये Q4 के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से बराबरी है, ये माइनस में है, 0.01 का है, 12.87% बड़ा है साल दर साल के हिसाब से, 31,196 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 2,312 करोड़ का है इस क्वार्टर में Q1 FY 2023 में, 80% कम हुआ है नॉन इंटरेस्ट इनकम और साल दर साल के हिसाब से भी कम हुआ है 80%, तो 80% कमी आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, साल दर साल के हिसाब से भी। पिछली बार एक साल पहले 11,803 करोड़ का नॉन इंटरेस्ट इनकम था और Q4 में 11,880 करोड़ का था। ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो 33,508 करोड़ का है Q1 FY 2023 में और Q4 में था 43,078 करोड़ का, एक साल पहले 39,441 करोड़, 22% की कमी आई है ऑपरेटिंग इनकम में और 15% कम हुआ है साल दर साल के हिसाब से और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 22% की कमी है ऑपरेटिंग इनकम में। और एक्सपेंसेस देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो 20,756 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं सीधे से, 12,753 करोड़ का है Q1 FY 2023 में और Q4 में था 19,717 करोड़ का और एक साल पहले 18,975 करोड़ का, तो 35% की कमी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तिमाही दर तिमाही के हिसाब से और 32% कम है साल दर साल के हिसाब से। और नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अब टोटल प्रोविज़न है 6,684 करोड़ का, प्रावधान जो होता है इस बार कम हुआ है। देखिए 6,684 करोड़ का इस क्वार्टर में Q1 FY 2023 में और Q4 में था 10,603 करोड़ का, साल भर पहले 12,471 करोड़ का था, तो सालाना देखते हैं तो 46% की कमी है प्रोविज़न में, टोटल प्रोविज़न में और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 36% की कमी है। अब सीधे से प्रॉफिट मुनाफा की बात करते हैं तो 6,068 करोड़ का प्रॉफिट आया है SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को Q1 FY 2023 में और Q4 में था 9,114 करोड़ का, 9,114 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 6,504 करोड़ का था दोस्तों, तो मुनाफा तो कम हुआ है 33% तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है और 6.70% सालाना कम है, तो मुनाफे में तो कमी आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखिए एक तरह से तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बराबरी है ये, बट ये है कि सालाना बढ़ा है,
तो मुनाफा कम आया है SBI को Q1 FY23 में दोस्तों। और अब ग्रॉस NPA जो नेट NPA की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, ग्रॉस NPA की बात करते हैं, तो देखिए June 2021 में 134,259 करोड़ का था और ये घटकर 113,272 करोड़ तक आ गया है June 2022 तक। और नेट NPA की बात करते हैं अमाउंट में 43,153 करोड़ का साल भर पहले था और ये लगातार एक तरह से घटा है, 28,258 करोड़ तक आया है मार्च के क्वार्टर में, 27,966 करोड़ का था। तो इसको परसेंटेज में देख लेते हैं, देखिए ग्रॉस NPA रेशियो की बात करते हैं परसेंटेज में, तो जून के क्वार्टर में एक साल पहले 2021 में 5.32 का था और घट कर ये 3.91 का है और मार्च के क्वार्टर में 3.97 का था, तो घटा है एक तरह से। तो ग्रॉस NPA SBI का जून के क्वार्टर में Q1 FY23 में 3.91 का है दोस्तों, कम हुआ है। और नेट NPA की रेट बात करते हैं तो 1 का है और इससे पहले एक साल पहले 1.77 से घट कर ये 1 तक आ गया, तो एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। ग्रॉस NPA नेट NPA कम हुए हैं SBI के, देखिए 3.91 का है और 1 का नेट NPA है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, 532 में है स्टॉक प्राइस और एक साल का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम साल भर के अनुसार देखते हैं तो इसका जो सपोर्ट है, जो बाइंग आ रही है लगभग 440-450 के आसपास से बाइंग आ रही है पिछले एक साल में, और स्टॉक अब 532 में है। देखिए ये जून के महीने में 430 के आसपास आ गया था जब बाजार में गिरावट आई थी, मार्केट में गिरावट आई थी, तो स्टॉक देखिए एक डेढ़ महीने के अंदर एक तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है और सीधे ऊपर की तरफ आया है। तो कहने का मीन से देखिए नतीजे आ गए हैं, मुनाफा वसूली आ सकती है, तो अपने अनुसार एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये 528 के नीचे स्लिप होगा तो 514.20 रुपये सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो और गिरावट बढ़ सकती है, 500 की तरफ आता हुआ देख सकता है दोस्तों। मार्केट ऊपर की तरफ अगर रहेगा तो अपने 52-week हाई के आसपास तक जाता हुआ देखेगा, बट ये कि मुनाफा वसूली आने की संभावना रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और स्टॉक अगर नीचे की तरफ दिखता है, जैसे कि देखिए अभी डेढ़ महीने पहले नीचे की तरफ आया था, तो फिर से स्टॉक को देखना चाहिए। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है, स्टॉक नीचे की तरफ आता है किसी भी कारणवश, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निवेश के लिए भी देखना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए भी देखना चाहिए। जब ये 440-450 में था तो निवेश की बात बताई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए, तो स्टॉक अच्छा गेन हो सकता है। तो देखिए लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी बनी है, तो जो नतीजे हैं तो मुनाफा वसूली आ सकती है दोस्तों, इसीलिए एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है, Q1 FY23 के नंबर्स का अपडेट था और शेयर प्राइस का एनालिसिस था। यूट्यूब चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मार्केट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।